अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम। जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही चुके हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बर्थडे केक और ये मैं चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, इट्स वेरी यमी एंड डिलीशियस। और इसके साथ साथ ही मैं आपको दो इसकी फ्रॉस्टिंग भी बनाना सिखाऊंगी, चॉकलेट आइसिंग भी और ये दूसरी व्हिप्ड क्रीम आइसिंग भी। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं ये आसान सा चॉकलेटी केक। हेयर आर द इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों मैं एक एक प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर में 1 इंच मोटी नमक की लेयर बिछा देनी है और उसके अंदर कोई भी ऐसा ढक्कन या फिर छोटी सी प्लेट जो है स्टील की आप प्लेस कर दें। और इसे आपको ढककर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है कुकर को। ढकें, सिर्फ आपको लगाना नहीं है ढक्कन, ऊपर से ढक देना है और इसकी विसल और रबड़ जो है वो रिमूव कर देनी है साइड से। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हम केक बनाएंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये कटोरी, 3/4 कटोरी पानी लेना है और इसके अंदर ये कॉफ़ी ऐड कर देनी है। पानी आपको हल्का सा 40 सेकंड्स माइक्रोवेव कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप उससे ही मेजर कर लें। और ये देखिए सबसे पहले आपको मैदा ले लेना है और मैदे में मैंने ऐड कर दिया है कोको पाउडर। ये दोनों आपको छान लेना है, ये मैंने पहले से ही छान कर रखे हुए हैं तो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये छान कर ही आपको इसे ऐड करना है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नमक, ऐड करें बेकिंग सोडा और ऐड करें बेकिंग पाउडर। और ये सब ऐड करने के बाद इन ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। सब कुछ मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ और इस मिक्सचर को अब मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर तेल, 2 अंडे और साथ ही साथ फुल फैट मिल्क। एड 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस और अब हम इस मिक्सचर को मीडियम टू हाई स्पीड पर बीट कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अच्छा सा लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेना है। और अब हम इसके अंदर हमारे जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बनाकर रखा था ये आधा आधा कर ऐड करेंगे। आधा ऐड करें और बीट करें। और अब मैं बाकी का आधा ऐड कर रही हूँ और दोबारा से इसको बीट कर रही हूँ 1 से 2 मिनट। और 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद ये देखें, ये हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर बिल्कुल मिक्स हो गया है और ये हमारा केक का बैटर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये कुछ ऐसी है। जिस भी कंटेनर में आप अपना केक बेक करना चाहती हूँ उसे घी से अच्छे से ब्रश कर लें, ग्रीस करें और उसके अंदर मैदा डस्ट कर लें। ये देखिए मैंने इसे डस्ट कर लिया और अब मैं इसके अंदर हमारा केक का बैटर पोर कर रही हूँ सारा का सारा। 2-3 बार आपको इसे टैप कर लेना और टैप करने के बाद अभी बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं हम केक को। ये देखिए हमारा कुकर प्रीहीट हो चुका है, तो अब हम आसानी से इसके अंदर हमारा केक को बेक कर लेंगे। ये देखिए मैंने केक टिन इसके अंदर ऐड कर दिया है। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर आपको इसे 5 से 7 मिनट तक बेक करना है और उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। ध्यान रखें फ्लेम को लास्ट में आपको ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अगर आपको कच्चा लगे तो 5 से 10 मिनट और बेक कर लें और इसकी आपको लिड लगा देनी है। लिड लगाकर ही इसको बेक करना है। और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। ये क्रैक्स जो हैं इसके परफेक्टली बेक होने की निशानी है। तो अगर क्रैक्स आ जाएँ तो आप घबराएं नहीं, मैंने नाइफ इंसर्ट करके देखा है, आप टूथपिक भी इंसर्ट करके देख सकते हैं। अगर क्लीन है तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में हम केक के लिए चॉकलेट आइसिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3/4 कप आइसिंग शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी और 1/2 कप कोको पाउडर। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 कप फुल फैट मिल्क और इसे बीट करेंगे। मीडियम टू हाई स्पीड पर आपको इसे बीट करना है और साइड से आपको इसे स्क्रैच करते रहना है और बीट करते जाना है 7 से 8 मिनट तक।
4 से 5 मिनट आप इसको ऐसे बीट करना है और आपकी ये चॉकलेट आइसिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें हमारी बढ़िया सी चॉकलेट आइसिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लास्ट में 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, इसे और ग्लॉसी बनाने के लिए। तो ये मिक्स करें आप और इसे फ्रीज कर लें। और ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, इसके अंदर हम बना रहे हैं विप्ड क्रीम आइसिंग। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप फ्रेश क्रीम ले लेना है और 2 टेबल स्पून चॉकलेट आइसिंग ऐड करनी है जो हमने अभी अभी तैयार किया, और इसे बीट कर लेना है धीरे धीरे करते हुए। मैंने इसके अंदर 3 टीस्पून लगभग आइसिंग शुगर ऐड की है और ये देखें ये अभी लगभग ऐसी है। तो अब हम इसे और बीट कर लेंगे स्नीफ पीक आने तक। धीरे धीरे करते हुए मैंने इसे 4 से 5 मिनट बीट किया है और ये देखें स्नीफ पीक आ चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे। ठंडा कर कर केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है और ये देखें इसके ऊपर जो थोड़ी क्रैक्स आई हैं उसे मैं कट कर रही हूँ साइड से, ऐसे आप कट कर लें। और अब आपको केक के 2 हिस्से कर ले रहे हैं, मैंने बिल्कुल इक्वली इसे हाफ कर लिया है। और हाफ करने के बाद आपको केक का जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे रखना है और नीचे का जो है वो ऊपर रखना है। ये देखें ये जो हमने चॉकलेट आइसिंग बनाकर तैयार की थी ये मैंने फ्रीज कर ली है और ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें कितनी ग्लॉसी बनी है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से फैला देनी है हमारे फर्स्ट केक के ऊपर। और ये देखें ये मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे फैला दी है और अच्छे से फैलाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ये हमारे पास जो सेकंड हाफ है केक का, इसे हम प्लेस कर देंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स ये नीचे वाला पार्ट है जो मैं ऊपर प्लेस कर रही हूँ, इससे आपकी केक की फिनिश बहुत ही अच्छी आएगी। और ये देखें मैंने इसे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आप चाहें तो इसे और मॉइस्ट बनाने के लिए इसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क भी डाल सकती हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर लें। और ये देखें अब मैं इसके ऊपर वाले पार्ट पर भी अच्छे से आइसिंग को फैला दूंगी। ये मैं स्पून से ही इसके ऊपर लगा रही हूँ। और ये देखें आपको साइड्स को भी कवर करना है, तो साइड्स को भी आप ऐसे धीरे धीरे इसी चॉकलेट आइसिंग से कवर कर दें। आप चाहें तो आप नाइफ का भी यूज़ कर सकती हैं, मैं स्पून से ही लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे चारों तरफ से इस चॉकलेट आइसिंग से कवर कर दिया है। ऐसे ही आपको सारे साइड्स भी भर देने हैं और बिल्कुल अच्छे से इसे कवर कर देना है। जो हमने विप क्रीम आइसिंग बनाकर रखी हुई थी ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद मैंने ये आइसिंग को पाइपिंग बैग में कन्वर्ट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से आपको। और ये देखिए अब ये आपको साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है एक। ये देखें आप इस आइसिंग से कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। ये मैंने साइड में ऐसे लाइन बनाई है और लाइन बनाने के बाद ये मैं फॉलिंग वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं अपनी मर्जी का। और ये केक जो है ये मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, उसका बर्थडे है। तो आप भी इसे किसी के लिए भी बना सकते हैं स्पेशल मौक़ों पर। और ये देखें ये मैंने यहाँ पर बीच में रोजेट बनाया है, ऐसे ही आपको 3 रोजेट बना लेने हैं। और ये देखिए लाइंस बनाने के बाद मैंने इसे साइड से व्हाइट चॉकलेट शेव से कवर कर दिया है और इसे और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर जेम्स लगाई हैं। तो ये हमारा बढ़िया सा चॉकलेटी केक बनकर तैयार हो चुका है। देखा आपने दोस्तों कितना आसान था घर पर चॉकलेट केक बनाना। बस इसे बनाते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आइसिंग जो है आपकी दोनों ठंडी होनी चाहिए और केक भी पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए जब आप इसको असेंबल करें, वरना आपकी आइसिंग फॉल हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।